लास्ट डेट पे हम लोगों ने पैरेलेक्स मेथड पढ़ा था। और इसके हेल्प से हम लोग लार्ज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जैसे स्टार की डिस्टेंस, मून का साइज, ऐसे लार्ज डिस्टेंसेस का हम लोग मेजरमेंट कर पा रहे थे। एस्टिमेट कर पा रहे थे। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे एक ऐसा मेथड जिसके हेल्प से हम लोग स्मॉल डिस्टेंस का एस्टिमेशन करना सीखेंगे। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस का एस्टिमेशन करना, जैसे कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के साइज का मेजरमेंट करना, ये हम लोग समझेंगे आज। और इसके लिए हम लोग एक ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे जिसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर, मतलब 10^-9 मीटर के ऑर्डर का हो। एग्जाम्पल है इसका ओलिक एसिड। ठीक है, हम लोग ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज मेजरमेंट करेंगे बाय द एस्टिमेशन मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड के हेल्प से। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिए मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंस, या लिख लेते हैं मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ ओलिक एसिड। मॉलिक्यूल ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, हम लोग 1 cm³, 1 cc, 1 cc का मतलब 1 cm³। ठीक है, 1 cm³ ऑफ ओलिक एसिड लेंगे और उसको 100 में ना डालिए, 20 में डाल लेते हैं। डिसॉल्व इन 20 cc ऑफ अल्कोहल। ठीक है, और इसका एक सॉल्यूशन बना लेंगे हम लोग। तो इस सॉल्यूशन में जो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा, 1 cm³ को हम लोगों ने 20 cm³ ऑफ अल्कोहल में डिसॉल्व कर दिया है। तो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1/20। ठीक है, लिख देते हैं यहां पर कंसंट्रेशन। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन 1 = 1/20। ये सॉल्यूशन 1 है। ठीक है, 1/20 हो जाएगा। अब हम लोग इस सॉल्यूशन 1 का लेंगे 1 cm³। टेक 1 cc ऑफ सॉल्यूशन 1 एंड डिसॉल्व इनटू 20 cc ऑफ मोर अल्कोहल। अगेन
ठीक है, और इससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका सॉल्यूशन टू लिखते हैं। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 1 cc ऑफ ओलिक एसिड लिया जिसको 20 cc ऑफ एल्कोहल में डाला तो सॉल्यूशन वन बना, और इसमें कंसंट्रेशन कितना हो गया ओलिक एसिड का 1/20। अब हम लोग सॉल्यूशन का 1 cc ले रहे हैं और उसको डिसॉल्व कर दे रहे हैं 20 cc ऑफ एल्कोहल में, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन टू कितना हो जाएगा 1/20, तो पहले में था इसमें भी 1/20 है, तो 1/20 ऑफ 1/20 मतलब 1/400। 1/400 कहने का क्या मतलब है कि हर 400 अल्कोहल पर एक ओलिक एसिड होगा, ठीक है, हर 400 अल्कोहल पर एक क्या होगा, ओलिक एसिड होगा, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन टू का ही हमें यूज करना है। अब हम लोग यहां पर एक छोटा सा ट्रे ले लेंगे, और इसमें वाटर फिलअप कर देंगे, ठीक है। और इस वाटर सरफेस पर हम ये जो कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड 1/400 वाला सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन टू, इस सॉल्यूशन टू के कुछ ड्रॉप्स को इसके ऊपर रखेंगे कि सपोज डेट कि हम लोगों ने n ड्रॉप डाला, ठीक है, लोग n ड्रॉप्स डाल रहे हैं मान लीजिए, ये ड्रॉप है, और हम लोग इसको ना इस ड्रॉप को एंड ड्रॉप इसके सरफेस पर डालेंगे और जितना ज्यादा पॉसिबल होगा उतना ज्यादा उसको स्ट्रेच करेंगे, उसके ऊपर फैलाएंगे पूरा सरफेस के ऊपर, ठीक है, ताकि ये पतला से पतला लेयर हो सके। ऐसे ड्रॉप्स डालते जाएंगे और उसके ऊपर एकदम अच्छे से यूनिफॉर्मली फैला देंगे। ठीक है, अब जो है इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे। जब थोड़ी देर इसको हम लोग छोड़ देंगे तो इसमें से जो अल्कोहल है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा अल्कोहल, और जो बचेगा वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ओलिक एसिड बचेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इस जो वाटर सरफेस पे हम लोगों ने फैलाया तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, उस एरिया को हम लोग ट्रेसिंग पेपर से या ग्राफ पेपर के हेल्प से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए कि वो ए एरिया पर फैलाया गया है, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है, लेयर की जो थिकनेस है, इसको मान लेते हैं टी। एक्चुअल में यही जो थिकनेस टी है, यही तो मॉलिक्यूल का साइज है, हमें यही टी कैलकुलेट करना है। हम लोगों ने इस पे n ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन टू डाला था, ठीक है,
मान लेते हैं कि लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप, ठीक है, मान लेते हैं कि V जो है वो एक ड्रॉप का वॉल्यूम है, देन अब यहां से अलग से कर, देन वॉल्यूम स्प्रेड ओवर वॉटर सरफेस, कितना वॉल्यूम स्प्रेड किया हम लोगों ने, एक तो एक का वॉल्यूम वी और एन ड्रॉप डाला तो एन इंटू वी वॉल्यूम हम लोगों ने स्प्रेड किया, और इसमें से जब अल्कोहल बाहर निकल गया है तो बचा सिर्फ ओलिक एसिड, और तो ओलिक एसिड का हिस्सा कितना होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड, कितना वॉल्यूम होगा ओलिक एसिड का, टोटल वॉल्यूम का 1/400, यानी कि 1/400 ऑफ एन वी, ठीक है, लेट टी बी द थिकनेस एंड ए बी द एरिया ऑफ लेयर, एरिया ऑफ ओलिक एसिड लेयर, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब टी थिकनेस है ए एरिया है तो ए इंटू टी आपको वॉल्यूम मिलेगा, ठीक है, ए इंटू टी क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम, एटी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो एन वी अपॉन 400 के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर में भी वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है और ये भी ए इंटू टी क्या है, ये भी वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड है, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, यही यानी कि यहां से टी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एन वी अपॉन 400 ए, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा अगर वॉल्यूम का मेजरमेंट सेंटीमीटर में और एरिया का मेजरमेंट सेंटीमीटर में किया गया है तब, जो हमारा आज का न्यू टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। देखिए एक्यूरेसी और प्रिसिशन की अगर आप मीनिंग देखेंगे, मतलब इंग्लिश टू हिंदी, तो आपको दोनों की मीनिंग सेम मिलेगी, ठीक है, मतलब लैंग्वेज में इन दोनों की मीनिंग सेम होती है, एक्यूरेसी की मीनिंग भी होती है प्योरिटी से होता है, कौन सी चीज कितना ज्यादा एक्यूरेट है, प्रिसिशन की भी लगभग मीनिंग वही होती है, ठीक है, लेकिन यहां फिजिक्स में हम लोग इसको दो अलग अलग तरीके से समझेंगे, एक्चुअल में यहां पर डिफरेंस होता है, ठीक है, एक मेजरमेंट एक ही टाइम पर वो एक्यूरेट भी हो सकता है और नॉन प्रेसिजन भी उसमें अंदर हो सकता है, ठीक है, यानी कि उसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई भी हो सकती है और प्रेसिजन जो है वो लो भी हो सकता है एक ही टाइम पर, कैसे, इसको एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझा जाए, जैसे आप जानते होंगे बुल आई, जो तीर टारगेट जो होता है ना उसको बोलते हैं बुल आई, ये मान लीजिए कि ये ऐसे कुछ टारगेट्स हैं,
ठीक है, इसमें भी कुछ बना देते हैं। ये टारगेट है हमारा, ठीक है। अब इस टारगेट पे हम लोग हिट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी यह है, वो गन शॉट्स फायर कर रहा है, ठीक है, और इस टारगेट पे निशाना लगा रहा है। मान लीजिए उसने पहला निशाना इस तरीके से लगाया, ठीक है, चार शॉट्स लगाए उसने, इस तरीके से लगा दिए चारों शॉट, ठीक है। तो यहां पे क्या दिख रहा है, हम लोग टारगेट के क्या करीब हैं? नहीं, हम लोग टारगेट से दूर हैं। तो अगर टारगेट से हम दूर हैं, इसका मतलब यह है कि जो हमारी एक्यूरेसी है वो लो है। ठीक है, यहां सब में हम एक्यूरेसी लिखेंगे। और यहां पे प्रिसेशन लिखेंगे, चलिए ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहां पे एक्यूरेसी क्या है, हमारी लो है क्योंकि हम टारगेट से दूर हैं, तो ये लो एक्यूरेसी हो गया। और प्रिसिशन, प्रिसिशन मतलब क्या, हम लोगों ने अपने ही जो भी एक्शन है उसको रिपीट किया है, तो हम लोग देखिए हर बार अलग अलग जगह पर निशाना लगाया गया है, यानी कि अपने ही वो एक्शन को रिपीट नहीं कर पाया है, यानी कि उसका प्रिसिशन भी क्या है, लो है, ठीक है। अब मान लीजिए वो हिट करता है कुछ इस तरीके से, यहां हिट किया, उसने चारों शॉट को एक जगह लगाया, ठीक है। तो देखिए एक्यूरेसी तो लो है क्योंकि हम टारगेट से दूर हैं, ठीक है, लेकिन अगर प्रिसिशन देखें तो हमने अपने ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर पाए हैं हम लोग, इसका मतलब प्रिसिशन हमारा हाई है। ठीक है, अब देखा जाए, फिर से शॉट से स्टार्ट करते हैं, और इस बार शॉट ऐसे लगाया गया, तो यहां देखिए हम लोग जो है टारगेट के काफी करीब हैं, यानी कि हमारे एक्यूरेसी हाई है, लेकिन प्रिसिशन लो है हमारा क्योंकि अलग अलग जगह पे शॉट्स लगाएगा, और अगर शॉट्स इस तरीके से लगाएगा, ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारी एक्यूरेसी भी हाई है और हमारा प्रिसिशन भी क्या है, हाई है। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में जो फिजिक्स के अंदर जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिफरेंस ये है। एक्यूरेसी का मतलब ये है एक तरीके से कि हम अपने जो एक्चुअल वैल्यू है उसके कितने नियर हैं, जो जितना ज्यादा नियर होगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। और प्रिसिशन का मतलब ये है, जैसे किसी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रिसिशन क्या है, तो वो इंस्ट्रूमेंट अपने ही, मान लीजिए वो लेंथ का मेजरमेंट कर रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर लेंथ को कितनी बार, एक ही बार एक ही जैसा मेजरमेंट कर पाता है तो वो उसका प्रिसिशन। अगर मान लीजिए वो कई बार मेजरमेंट कर रहा है, हर बार अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब उसका प्रिसिशन लो है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, एक्यूरेसी और प्रिसिशन के बीच में। इस बात को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि
कि एक होती है हमारी एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और एक होती है हमारी मेजर्ड वैल्यू जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए कोई लाइन ए बी है और इसकी एक्चुअल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, लेकिन किसी बच्चे ने इसकी वैल्यू रिकॉर्ड की 9.8 सेंटीमीटर मेजर्ड, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है और किसी बच्चे ने इसका मेजर किया 9.8 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ इनकरेक्ट मेजरमेंट किया है, यानी कि इस बच्चे के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर है। तो वो एरर है कितना, वो एरर इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एरर, ठीक है, और इस एरर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट डेट पर, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एरर एनालिसिस, जिसमें हम लोग कितने टाइप्स के एरर होते हैं इसके बारे में जानेंगे। मेनली मैं आपको बता दूं, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर, दो टाइप के एरर होते हैं। सिस्टमैटिक एरर कौन कौन सा होता है ये भी देखेंगे हम लोग, और उसको मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है ये भी देखेंगे। रैंडम एरर किसे बोलते हैं ये समझेंगे, और उसको कैसे मिनिमाइज करना है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी मेजरमेंट में कितना एरर है, कितना परसेंटेज एरर है, कितना फ्रैक्शनल एरर है, इन सब चीजों का भी मेजरमेंट हम लोग करना जानेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे आने वाले नेक्स्ट डेट पर।